उत्तराखंड में स्थित एक खूबसूरत पावन निर्मल और स्वच्छ शहर है ऋषिकेश। ऋषिकेश में कहीं कल कल बहती नदी है तो कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं आस्था के केंद्र रूपी अनेक मंदिर हैं, वहीं अनेकों आश्रम भी। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऋषिकेश के कुछ आश्रमों की सैर पर। हमारा पहला पड़ाव है जयराम अन्न क्षेत्र ट्रस्ट। त्रिवेणी घाट के बहुत करीब स्थित इस ट्रस्ट की स्थापना हुई थी आदि गुरु के हाथों से। यहाँ इस ट्रस्ट में सत्संग भवन, इस ट्रस्ट के संस्थापक की गद्दी, संकट मोचन हनुमान मंदिर, यज्ञशाला, संस्कृत महाविद्यालय आदि स्थित हैं। हमने बात की ट्रस्ट के एक सेवक प्रदीप जी से और उनसे पूछा ट्रस्ट के स्थापना और संचालन के बारे में। ऋषिकेश के आश्रमों की सैर करते करते अब हम आ गए हैं जयराम अन्न क्षेत्र ट्रस्ट में, और यहाँ हम बात करेंगे प्रदीप जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आश्रम के बारे में और यहाँ पे क्या क्या क्रियाएं होती हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि इस ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी और किन्होंने की थी? 1890 में श्री जयराम जी महाराज ने जयराम अन्न क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की थी। इसका नाम जयराम अन्न क्षेत्र इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर निरंतर 127 सालों से साधु महात्माओं को निःशुल्क भंडारा चलता रहता है। इसके अलावा और कैसी सुविधाएं और सेवाएं जो हैं उनको उनका संचालन करता है? ऐसा यहाँ पे हमारे जो उत्तराखंड के ब्राह्मण बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क वेद कर्मकांड की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। जो वर्तमान में पूज्य गुरुदेव ब्रह्मसुर ब्रह्मचारी जी हैं, यहाँ संस्थाओं में हमारे ट्रस्टी हैं और विभिन्न मंडियों से हमारे अन्न, चावल, गेहूँ, दाल सब एकत्रित होता है साल में। गुरुदेव ब्रह्मसुर ब्रह्मचारी जी ने लड़कियों के लिए हमारा जयराम विद्यापीठ के नाम से कुरुक्षेत्र में भी आश्रम है, ब्रह्म सरोवर के सामने, वहीं पे एक लोहार माजरा गांव है जहाँ पे गांव के लोग दसवीं के बाद लड़कियों को बाहर शहर में पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, तो वो महाराज श्री के पास गांव के लोग आए, उनका गुरुजी यहाँ पर लड़कियों को हम आगे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन अगर बच्चियाँ शहर में जाएंगी तो आते आते रात हो जाएगी और कुछ ऊँच नीच हो, तो उन वहाँ की पंचायत ने फिर गुरुजी से कहा गुरुजी हम आपको ज़मीन दे देते हैं और आप यहाँ पे एक विद्यालय बनवा दो। तो उसी कैंपस में 26 बीघा ज़मीन में लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, पब्लिक स्कूल, एक ही कैंपस में सब कुछ व्यवस्था महाराज जी ने करी हुई, और बीएड कॉलेज भी लड़कियों के लिए चल रहा है। लड़कियों को लाने के लिए और छोड़ने के लिए बसें लगाई हुई हैं। और यहाँ पे जो हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमा है, हम आपसे कहेंगे कि आप उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। हमारे जो गुरु गद्दी के इष्ट देवता वो हनुमान जी हैं। ये जो हमारे हनुमान जी की मूर्ति है वाइट सीमेंट और दूध से बनी हुई है। जो हमारे गुरु जी थे ब्रह्मलीन श्री देवेंद्र सुर ब्रह्मचारी जी ने, उन्होंने पानी की जगह दूध को उन्होंने शुद्ध माना, इसलिए उन्होंने दूध और वाइट सीमेंट से माना है। अगर आप इस प्रतिमा को देखेंगे तो इसमें अलग ही एक अट्रैक्शन है, और इसमें समय समय पर हमारे जो ट्रस्टी लोग हैं और भारत के चारों कोनों से लोग आते हैं, सवामणि का भोग लगता है। उनका ये मानना है कि यहाँ पे कि जो हम मनोकामना हनुमान जी के सामने अपनी रखते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, तो यहाँ सवामणि निरंतर लगती रहती है। अब हम आपको ले चलेंगे द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित शिवानंद आश्रम में। डिवाइन लाइफ की भी स्थापना इस आश्रम को स्थापित करने वाले स्वामी शिवानंद ने ही किया था। इसके अलावा यहाँ विश्वनाथ मंदिर, शिवानंद चैरिटेबल ट्रस्ट और शिवानंद दर्शन मंदिर भी है। इस आश्रम का पुस्तकालय, बुक स्टोर प्रमुख रुझान है यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए। अगर आपकी रुचि पढ़ने में है तो यह आश्रम आपके लिए बिल्कुल अनुकूल स्थान है। विशेष रूप से अगर आप वैदिक दर्शन में रुचि रखते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसी अनेकों किताबें मिल जाएंगी जो आपको आपके सवालों का जवाब दे सकें। ये तो हुए लक्ष्मण झूले के एक तरफ के आश्रम। झूला पार करके दूसरी तरफ जाने पर आप देख पाएंगे स्वर्ग आश्रम और परमार्थ निकेतन आश्रम। स्वर्ग आश्रम में हमने बात की यहाँ के एक संचालन समिति के एक सदस्य से। अब हम आ चुके हैं स्वर्ग आश्रम के अंदर और यहाँ पर हम बात करेंगे कृष्णकांत जी से और उनसे पूछेंगे आश्रम से जुड़े कुछ सवाल। पहला सवाल आपसे यह पूछना चाहूंगा कि स्वर्ग आश्रम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी और किन्होंने इसकी स्थापना की थी? देखो जी, ये है स्वर्गाश्रम ट्रस्ट, ये जो बाबा काली कमली वालों का है। ये हमारे बाबा काली कमली वाले 108 बाबा काली कमली वाले इन्होंने ही ये बनाया है। ये कम से कम 100 साल हो गए लगभग। बाबा काली कमली वाले आत्म प्रकाश जी और एक थे राम नारायण जी, ये थे एक गुरु के दो शिष्य। इनके गुरु का नाम था विश्वदानंद जी। तो इनका एक आश्रम है ऋषिकेश,
गंगा पार ऋषिकेश, एक यहाँ पे है। इनकी सेवाएं अन्य क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र चलता है साधु महात्माओं को, और कंबल वगैरह बढ़ता है सर्दियों में, कंबल वगैरह बढ़ता है, दूध मिलता है साधु, कुटियाएँ बनाई हुई महात्माओं की सेवा होती है। विद्यालय भी है, संस्कृत विद्यालय है, यहाँ पे मुफ्त में पढ़ाई होती है और उनको भोजन की व्यवस्था होती है। हमारा अगला पड़ाव और आखिरी आश्रम है परमार्थ निकेतन आश्रम। ऋषिकेश के पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित परमार्थ निकेतन भारत के सर्वोच्च योग आश्रमों में गिना जाता है और ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। आश्रम की स्थापना सन 1942 में स्वामी सुखदेवानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। यह आश्रम विशेष रूप से हर रोज सुबह और शाम दोनों वक्त की होने वाली गंगा आरती की वजह से जाना जाता है। इस आरती में हम भी शामिल हुए। आरती के बाद हमें मौका मिला आश्रम के प्रमुख गुरु की संध्या आभा में भी शामिल होने का। ट्राइपॉड उठा के घूम रहा हूँ, पीछे पीछे जा रहा हूँ, कुछ काम नहीं किया मैंने।